नमस्कार मैं डॉक्टर सुरेंद्र धायल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ मैं आज को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसे कमर दर्द कमर दर्द के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसका मुख्य दो कारण हैं लंबे टाइम तक गलत पोस्टर में गजट्स का देखना हाई ट्रैफिक में लॉन्ग ड्राइविंग करना और जिम में ओवर एक्सरसाइज करना इसकी वजह से ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं जब भी हमारे पास कोई कमर दर्द का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करते हैं उसका परीक्षण करते हैं कि भी ये कमर का दर्द किस कारण से हो सकता है सेवेंटी परसेंट में कमर का दर्द बहुत ही नॉर्मल कारण से होता है जैसे मसल्स में खिंचाव आना जैसे लिगामेंट्स का ओवर एक्सरसाइज से टीयर होना स्प्रेन होना स्ट्रेन होना जिसको हम मरीज को बता देते हैं कि भी आप ये सपोर्टिव मेडिसिन लीजिए और 10-12 दिन के रेस्ट कीजिए और ये दर्द आपका ठीक हो जाएगा कुछ जग जो कमर दर्द के पेशेंट आते हैं उसमें हमें ये लगता है कि इसमें स्लिप डिस्क हो सकता है जिसकी हम एम आर आई एल एस स्पाइन कराते हैं कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जब हम एम आर आई एल एस स्पाइन करवाते हैं तो उसमें नब्बे अस्सी परसेंट केसेज में हमें ये मिलता है कि इसमें स्लिप डिस्क है जब भी हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपके स्लिप डिस्क है तो वो बड़ा चिंतित जाता है कि इसमें तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी जबकि मैं आपको ये बता दूं कि नब्बे परसेंट केसेज में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती इसको हम कुछ फिजियोथेरेपी कुछ घर पे होने वाले एक्सरसाइज और मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं पेशेंट यदि किसी में सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इसमें मुख्यतः तीन ही कारण होते हैं एक तो ये होता है उसके कमर से नीचे सुनापन आ जाए या पैरों में कमजोरी आ जाए पैर लटक जाए चलने में दिक्कत हो और तीसरा जो कारण मरीज़ खुद बताता है जैसे असहनीय दर्द होना कि मरीज़ खुद कहता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे आप सर्जरी कर दो कुछ भी कर दो मेरा ये दर्द ठीक होना चाहिए और ज़्यादातर मामलों में 90 परसेंट में स्लिप डिस्क की सर्जरी दूरबीन से हो जाती है और दूरबीन सर्जरी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एक टाँका लगता है इतना ही घाव होता है पेशेंट ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह होश में रहता है पेशेंट ऑपरेशन के एक घंटे बाद में चल फिर सकता है और पेशेंट को मतलब कोई भी ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए आज हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी सुविधा है बहुत अच्छा इक्विपमेंट है एंडोस्कोपिक है हमारे पास कार्ल स्टोज का और हमारे पास एक वेल well ट्रेन टीम है एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई कमर दर्द का स्लिप डिस्क का पेशेंट हो तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें थैंक्स